हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षार्थ। हम आपके लिए लेकर आए हैं टैक्स असिस्टेंट के आंसर की। आइए स्टार्ट करते हैं अपना पेपर इवैल्यूएशन करना। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इति ईति समाप्ति विघ्न। क्वेश्चन सेकेंड है, जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जवाबी। क्वेश्चन थर्ड है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें से अशुद्ध वाक्य को बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, हमें कभी भी परस्पर एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें कर्मवाच्य बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसके द्वारा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किए गए उपकारों को मानता है उसे दोस्तों हम बोलते हैं कृतज्ञ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आठ है हमारा, एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितों को भेजा जाता है तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों परिपत्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन, मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह होगा मुनियों में श्रेष्ठ, ऑप्शन ए। अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा दोस्तों, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, इसे हम बोलते हैं ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, वाम प्लस ईश। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा दोस्तों, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इला, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ शब्द समूह में हमें शुद्ध बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उज्जयिनी, उच्छिष्ट और उपापो। इसके बाद जो दोस्तों राइट आंसर होगा 14 क्वेश्चन का, वो होगा अकर्मक और पूर्णकालिक क्रिया, दैट मीन्स की ऑप्शन बी, नीरज गया और नीरज घर गया, ये पूर्णकालिक और अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आजानुबाहु शब्द के लिए क्या प्रयुक्त होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजकोष के लिए अंग्रेजी समानार्थ शब्द क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एक्सचेकर, एक्सचेकर को हम हिंदी में बोलते हैं राजकोष। क्वेश्चन नंबर 17, संधि के प्रकार, दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन, इसका आंसर होगा तीन प्रकार, इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, जिस समास में प्रथम पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 19, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, इसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, अनु। क्वेश्चन नंबर 20, प्रत्यय के प्रयोग से क्या बनता है दोस्तों, इसके दो ऑप्शन लग रहे हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए, अर्थ को नया रूप मिलता है, और दोस्तों ऑप्शन सी भी थोड़ा ठीक लग रहा है, सॉरी ऑप्शन डी भी, इसका थोड़ा कन्फ्लिक्ट है, आप देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि नए शब्द भी बनते हैं और नया रूप भी मिलता है, तो आप इसको देख लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, और राइट आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आप राइट आंसर को कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, समानार्थी शब्द का हमें चयन करना है, नियति हमें दिया गया है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, भाग्य। समुद्र का हमें पर्यायवाची बताना है क्वेश्चन नंबर 22 में, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों जला, जिसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 23, इसमें हमें अनुज शब्द का विलोम बताना है दोस्तों, अनुज शब्द का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन डी, अग्रज। क्वेश्चन नंबर 24, शुदा शब्द का एक हमें अनेतार अनेकार्थ शब्द का हमें समूह बताना है, कि शुदा शब्द के जो भी मीनिंग है वो हम जानते हैं, शुदा का मीनिंग होता है अमृत, तो हमें इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी 24 का। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें हमें पार्थ, गुड़ा के, सव्यसाची और धनंजय, ये सारे शब्द दिए हैं और इनका हमें बताना है कि इनके लिए सही शब्द क्या है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 26, दोस्तों यहाँ से हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, हमें यहाँ पे इंग्लिश के आंसर्स बताने हैं। कैन देयर फेम एवर फेड, हमें इसका असर्टिव बनाना है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा राइट आंसर क्वेश्चन ऑप्शन बी, देयर फेम कैन नेवर फेड। क्वेश्चन नंबर 27, नो वन लाइक्स डूइंग वर्क, इसका भी हमें राइट आंसर बताना है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डज एनीवन लाइक डूइंग वर्क, इसे हमने इंट्रोगेटिव बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 28, कृष्णा लेक्चर्स वंडरफुली दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हाउ वंडरफुली कृष्णा लेक्चर्स। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन दिस इज, इसको हमें असर्टिव बनाना है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे सामने, आई गो टू स्कूल बाई बस, दोस्तों इसमें जो आंसर आएगा वो, इसमें आर्टिकल है ही नहीं, इसमें जीरो आर्टिकल है, क्योंकि बाई हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31, शी इज लकी, शी हैज, दोस्तों यहाँ पे लकी दिया, दैट मीन्स उसकी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, फ्यू। क्वेश्चन नंबर 32 हम देखते हैं, ही रोट, तो इसमें जो आंसर आएगा राइट आंसर वो होगा ऑप्शन डी, इन इंक। क्वेश्चन नंबर 33 हम देखते हैं, व्हाट इज द टाइम, तो दोस्तों इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा बाई, बाई योर वॉच, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 हम देखते हैं, जयराम इज, दोस्तों इसमें आएगा वाइजर, कंपेरेटिव डिग्री यहाँ पर है क्योंकि देन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 हम देखते हैं, इंसॉल्वेंसी का मीनिंग हमें बताना दोस्तों, इसका राइट आंसर होता है दिवालियापन, दिवालियापन को ही हम इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हम देखते हैं, एलिगेंट का जो मीनिंग होगा दोस्तों वो होगा, एलिगेंट का मीनिंग क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों हमारे पास में ग्रेसफुल, ऑप्शन ए।
डेलिबिलिटेट जो हमारे 37 क्वेश्चन नंबर दिया गया इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व्हीकल। 38 क्वेश्चन है हमारे पास इमोर्टल दिया गया इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इमोर्टल। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे सामने नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर इसका जो लिए हमें वन वर्ड बताना है वो होगा दोस्तों कॉन्स्टेलेशन, तारों के समूह को हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे सामने देयर वर ओनली अ ऑप्शन हमारे पास में ब्रैकेट दिया गया है इसमें क्या आएगा दोस्तों ऑप्शन 4 आएगा हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 41 सफिक्स हमें बताना है कि मेंट लगा के कौन सा सफिक्स बना है तो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा आर्ग्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे सामने इन दैट क्वींस दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए रेन देयर वाज पीस। क्वेश्चन नंबर 43 इसमें दोस्तों हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है विच पार्ट ऑफ द लेटर इन्फॉर्म द रीडर वेयर एंड व्हेन द लेटर वाज रिटन दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा द हेडिंग ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे सामने शी सेड दैट शी दोस्तों इसमें आएगा ऑप्शन 4 वुड शी वुड गो। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे सामने है इट दोस्तों कोस्ट यहाँ पर यस्टरडे दिया गया तो हमें कोस्ट की सेकंड फॉर्म लगानी है कोस्ट की तीनों फॉर्म कोस्ट ही होती है तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे सामने हमें पैसे वॉइस में चेंज करना है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा कि कौन सा पैसे वॉइस है वो यही ऑप्शन डी काइट्स वर बीइंग फ्लाइड बाय सम बॉयज। और क्वेश्चन नंबर 47 हमारे सामने हमें इसका दोस्तों इसको चेंज करना है या हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है सी सेज दैट ही कैन डू इट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन ए शी सेज ही कैन डू इट। 48 क्वेश्चन हमारे सामने ही सेड शी वॉज डांसिंग दोस्तों इसका जो हम सही राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन ए ही सेड दैट शी हैड बीन डांसिंग। यहाँ पे हैड बीन में हमें चेंज करना है आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे सामने शी इज गोइंग आउट दोस्तों इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शी इज नॉट गोइंग आउट। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे सामने ह्यूमन इज मोर्टल इसको दोस्तों हमें चेंज करना है नेगेटिव में तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ह्यूमन इज नॉट इमोर्टल। हमने इंग्लिश और हिंदी का पेपर सॉल्व कर लिया गया अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे जीके के पेपर की तरफ। हमारे पास में जीके का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 आर्टिकल 35 किससे रिलेटेड है तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर के गवर्नर की नियुक्ति से रिलेटेड है। ये बहुत ही फेमस है हमने दोस्तों हमारी पॉलिटी के लेक्चर्स में भी इसके बारे में बताया था कि आप इसमें ध्यान दीजिएगा इसका क्वेश्चन जरूर से जरूर आ सकता है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन हमने करंट में कवर किया था अच्छे से हमने आप हमारे लेक्चर्स में देख लीजिएगा कि हमारा जो राजस्थान है पूरा राजस्थान शौच से मुक्त हो गया तो इसमें जो लास्ट में 12 अप्रैल 2018 को कौन सा शहर हुआ है वो है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा माउंट आबू। स्मार्ट विलेज योजना की घोषणा कौन से बजट में की गई दोस्तों ये की गई है ऑप्शन ए 2017-18 में। आगे हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन डी आर्टिकल 163 रिलेटेड है कार्यों से यहाँ पे कार्यों आप ये इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा। अगला क्वेश्चन है 55 लोकायुक्त एक संस्था है दोस्तों इसमें ऑप्शन आएगा डी सांविधिक और न्यायिक संस्था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 अमर शाही किसका नाम है दोस्तों इसमें राइट आंसर है पी और आप इसमें स्टार लगा सकते हैं क्योंकि कुछ कह नहीं सकते शायद कुछ और आंसर भी आ सकता है अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 हम देखते हैं राही सरनाबोध किस खेल से संबंधित है दोस्तों हमने पूरे करंट में हमने एशियन गेम्स के और ये सारे गेम्स हमने बहुत अच्छे से कवर किए हैं तो आप उनको एक बार फिर देख लीजिए क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में से भी ये क्वेश्चंस आने वाले हैं तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा निशानेबाजी। क्वेश्चन नंबर 58 हम देखते हैं 18वें एशियन गेम्स में किस दल ने 4x400 मीटर रिले दौड़ में कौन सा पदक जीता भारतीय दल ने तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 59 हम देखते हैं हेप्टाथलन से रिलेटेड दोस्तों ये बहुत ही मतलब फेमस है इसका क्वेश्चन भी बनाया था पेपर में भी हेडिंग में आता है इसलिए बहुत ईजी है हमारे लिए इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए स्वप्ना बर्मन। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे सामने बहुत ईजी क्वेश्चन है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आएंगे क्योंकि यही हमारे खेल मंत्री हैं इस टाइम। क्वेश्चन नंबर 61 हमारे सामने बहुत ही रिसेंट का क्वेश्चन है नोबल वाला इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा नोबेल शांति पुरस्कार इस बार डेनिस मुकवेजे को मिला है ऑप्शन ए। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 62 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ में कौन सा डिवाइस उपयुक्त नहीं है मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों जहां नहीं है नहीं इन चीज़ों को आप स्पेशली नोटिस कीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और सारे क्वेश्चन राइट हो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जॉयस्टिक। क्वेश्चन नंबर 63 हम देखते हैं विंडोज का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विंडोज 10 MS-OS से मैक ओएस से आप कंफ्यूज नहीं होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 64 प्रिंट के लिए शॉर्टकट की दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस पी।
65 क्वेश्चन एंजाइम्स बने होते हैं, हमने हमारे बायो के लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिफाइन किया एंजाइम्स को। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुत इजी है ये। पूरा पेपर हम देख पा रहे हैं, बहुत इजी पेपर आया है इस बार का ये। सीएनजी के बारे में गलत कथन हमें छाटना है दोस्तों, गलत कथन छाटना है, तो गलत कथन जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, सीएनजी का स्वतः प्रज्वलन ताप पेट्रोल से ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 67, एक विद्युत जनित निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 68, किस रंग के कांच की चाल कांच में न्यूनतम होती है, मतलब कि कौन सा कलर है जो उसकी स्पीड सबसे लो है। दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बैंगनी, और सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट वो होती है रेड कलर की। क्वेश्चन नंबर 69 हम देख पा रहे हैं, जब हम समतल दर्पण में देखते हैं कि हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, इसका क्या कारण होगा। दोस्तों इसका कारण होगा अपरावर्तन, रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 70 हमारे सामने है, पर्णाव व्रंथ होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पर्णव्रंथ, हरि वह चपटी। अगला क्वेश्चन 71 हमारे सामने, जीवाणु सीजेला से रोग होता है। दोस्तों डायरिया जो होता है वो सीजेला की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन, नीलहरी शैवाल एकल कोशिका प्रोटीन एसपीपी की तरह उपयोग। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा, जरूरी नहीं है ये आंसर हो। आप एक बार, अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर का कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 73 क्वेश्चन हम देखते हैं, वयस्क दैहिक कोशिका में क्लोन किया जाने वाला सबसे पहला स्तनपाई दोस्तों भेड़ था। ये हमने अच्छे से पढ़ा था बचपन से, डॉली नाम की भेड़ जो हमने देखा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, क्रोमोसोम किससे बना होता है। दोस्तों क्रोमोसोम बना होता है डीएनए से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 हमारे सामने, कि बादल किसके द्वारा बनते हैं। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण से बादल बनते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76 हमारे सामने, हमें बताना है कि तिलहनी फसल कौन सी है। दोस्तों सूरजमुखी एक तिलहनी फसल है, इसका यूज भी तेल निकालने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, टाइफाइड किस वजह से होता है, बैक्टीरिया, वायरस या फिर पैरासाइट। हम देखते हैं इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड हमें होता है। क्वेश्चन नंबर 78 हमारे सामने, आनुवंशिकी विज्ञान की मूल इकाई क्या होगी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा जीन, जीन ही जेनेटिक्स की जो फंडामेंटल यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 79 हमारे सामने, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है। दोस्तों ये होती है स्ट्रोमा में, लीव्स में स्ट्रोमा पाए जाते हैं, उनमें ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। दोस्तों आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 उड़िया पठार। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी थोड़ा कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ये एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका राइट आंसर वैसे सी है, फिर भी जब हमारी ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी हम कन्फर्म कह सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 81 हम देखते हैं, टंगस्टन का उत्पादन कहाँ की खदान में होता है। दोस्तों ये आएगा ऑप्शन सी, डेगाना, डेगाना में टंगस्टन का उत्पादन होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोस्तों ये साउथ से जाती है, हम जानते हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर से होकर के हमारी कर्क रेखा जाती है। अगला क्वेश्चन 83 हमारे सामने, तख्त सागर। दोस्तों तख्त सागर नाम का जो जलकाय है वो जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 84 हमारे सामने, डेड रिवर, दोस्तों डेड रिवर बोलते हैं घग्गर नदी को, ऑप्शन बी। मुनहोद नैन्सी किस राज्य का दीवान था। दोस्तों मुनहोद नैन्सी जो दीवान था वो था जोधपुर राज्य का था। तुंगा युद्ध, दोस्तों तुंगा जयपुर के पास में इसी तरह इसका जो युद्ध हुआ था वो था 1787 में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 87। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, पटो की हवेली कहाँ स्थित है। दोस्तों ये बहुत ही फेमस पैलेस टाइप है, तो इसकी जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 88 हमारे सामने, निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के तेरह ताली नृत्य में काम नहीं आता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेरू, डेरू काम नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 89 हमारे सामने, ब्लू पॉटरी ये जयपुर की बहुत ही फेमस आर्ट है, और इसे राजा मानसिंह ऑप्शन डी हमारे सामने लेकर आए थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 90 हम देखते हैं, कौन सा निम्न में से कौन सा गरासिया जनजाति से संबंधित है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, घुड़ला जो है वो गरासिया जनजाति से संबंधित है। 91 क्वेश्चन हम देखते हैं कि चूरू में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, तालछापर। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने। अगला क्वेश्चन है 92, किस नगर राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या क्या होनी चाहिए सीमा। दोस्तों ये हमें इसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 1 लाख से अधिक। ये बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो गए और 5 लाख करके, लेकिन इसका जो राइट आंसर आएगा वो सी ही आएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन राजतरंगिणी के लेखक है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कलहण। तो हमने इतने क्वेश्चन देख लिए 93, अगला हम 94 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है। दोस्तों कुकड़ी, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर है। राजस्थान वित्त कॉर्पोरेशन RFC की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, 1955। 96 क्वेश्चन हमारे सामने है, 10/10/2018 के दिन राजस्थान के किस मुख्य सूचना आयुक्त तो हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, श्री सुरेश चौधरी हैं। राजस्थान की कुबड़ पट्टी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नागौर और अजमेर को कुबड़ पट्टी कहा जाता है। तेरह ताली नृत्य का संबंध दोस्तों कांवड़ जनजाति से है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 99 हमारे सामने, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तनोट माता।
अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 100, गीत गोविंद सागर का संबंध निम्न से किस चित्र शैली से? दोस्तों इसका जो राइट आंसर आने वाला है वो है मेवाड़ चित्र शैली। मेवाड़ चित्र शैली से इसका दोस्तों रिलेशन है। हमने पूरे क्वेश्चंस देख लिए, आप अपने क्वेश्चन को इवैल्यूएट कर लीजिएगा और अपने मार्क्स हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि हम सर्वे करके और बता सके कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए।